दोस्तों कैसे आप लोग, स्वागत है आपका भैरव के ब्लॉग्स के एक नए वीडियो में। अनु भाई को भी बुला लिया था पर अनु भाई यहाँ पर काम है इसलिए अनु भाई यहाँ पर नहीं आ रहा है। चले दोस्तों उड़ाते हैं हम पतंग। यहाँ पर देखो दोस्तों हमारा भाई मोटू भाई भी ये पतंग उड़ा रहा है, क्वालिटी तरीके से उड़ा रहा है। स्टार्ट करते हैं गाइस आज के वीडियो फटाफट से। वीडियो तो स्टार्ट कर दिया है पर ये देखो दोस्तों एक पतंग क्यों उड़ानी क्या? हाँ चलेगा ना, दूंगा ना पतंग दूंगा, उड़ाने के लिए दूंगा क्योंकि रॉकेट भाई की पतंग काफी पसंद है इस भाई को भी। ये देखो दोस्तों मस्त वाली पतंग ये। चलो ये पतंगे हमारे साथ इतनी सारी उड़ाने के लिए, चार पांच पतंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाली पतंगे। पर भाई भाई क्या बोल रहा है कि रॉकेट वाली पतंग पसंद आ जाती है? अरे भाई तुझे भाई को रॉकेट वाली पतंग काफी पसंद आ जाती है उड़ाने के लिए। मैं क्या बोलता हूँ पर तुझे रॉकेट वाली पतंग उड़ानी है तो इधर से उड़ाते रहे ना, तुझे उड़ाने के लिए देंगे ना ये पतंग। ये देखो भाई की ये पतंग भाई को भी उड़ाने देंगे। रॉकेट पतंग से याद आया कि भाई मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ कि ये पतंग तू डायरेक्टली खींच कर देगा, जर से यहाँ पर खींच कर देगा, आड़े पट्टे में तू इस पतंग को खींच कर देगा। भाई को बोला कि मैंने आड़े पट्टे में इस पतंग को खींच कर देखा पर इस पतंग का वारा देखो दोस्तों कितना जोर से आ रहा है और हवा भी काफी तेजी आ रही है। हाँ मार्केट में चली गई क्या रे पतंग? ये देखो कैसा कर रहा है भाई, कैसा कर रहा है। ये देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है इसलिए ये भी पतंग उड़ाते रहते है। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन इनका भी हो जाता है और पतंग उड़ाना स्टार्ट करते हैं हमारा भाई यहाँ पर। ये देखो वारा ज्यादा आ गया और हवा कम आ गई क्या रे भाई? तो ये देखो जूम करने के बाद तुझे पतंग कुछ ऐसी दिख रही है भाई। बैंडविड्थ कम कर रहे इसकी। मैं क्या बोलता हूँ मुत्ती भाई इस पतंग को थोड़ा सा उतार ले, ज्यादा ही कर रही है हवा में लपेटने के लिए बोल रहा है। तो चले दोस्तों ये पतंग को ना फटाफट से हम उतार लेते, थोड़ा सा बस इतना ही उतार हम लेपेट लेते तब तक के लिए यहाँ पर मत जा। पतंग को तो उड़ा लेते। ये देखो दोस्तों पतंग उड़ाने में कितना बढ़िया तरीके से लग रहा है। यहाँ पर देखो पतंग उड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मजा आता है यहाँ पर। ये देखो हमारी पतंग यहाँ पर कितनी देर तक नीचे रहेगी ये देखो। अब भाई मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ कि तू इस पतंग को कुछ भी कर, उल्टा पलटा कर, कुछ भी कर, पर ये पतंग यहाँ पर अच्छी खासी खींचनी चाहिए। पहले गाय बोला कर, गाय बोला गया। ये देखो दोस्तों यहाँ पर एक पतंग कट चुकी है जो हमारी थी। गाय बोला जाने दोस्तों, गाय बोला तो पतंग हमारी हो चुकी है। ए भाई हमारी पतंग नुत्तु भाई का देनी थी पर ये पतंग यहाँ पर अटक चुकी है। कैसी अटकी रे भाई? ये देखो क्वालिटी तरीके से उड़ चुकी है, मतलब ये पतंग एकदम ही क्वालिटी वाली है, उड़ने में पतंग काफी बढ़िया है, तो अच्छी है भाई पतंग अच्छी है। ऊपर भेज रहे थोड़ी सी, ऊपर भेज। अब 2 मिनट में ऊपर चली जाएगी, जैसे मैगी 2 मिनट में बनती ना वैसे ही पतंग ये 2 मिनट में डायरेक्टली ऊपर चली जाएगी। आ गए। इधर डिश टीवी पर मत अटका, सिग्नल चला जाता है भाई आप उनका। हाँ ये देखो खींचने में कैसी है, चार चक्का वाली पतंग खींचने में यहाँ पर कैसी लग रही है। चलो भाई अब मैं भी उड़ाकर देखता हूँ इस पतंगों को। ये देखा दोस्तों ये भाई यहाँ पर अटक चुकी है, इस भाई की पतंग खंबे पर हमारी पतंग अटक चुकी है, यहाँ पर कुछ हो चुका है। तो ये देखो दोस्तों कैसे अटक चुकी है हमारी पतंग यहाँ पर। ए भाई अटक चुकी है, जाने दोस्तों ये पतंग अटक चुकने के बाद भटक चुके है। ये देखो अरे नीचे नहीं चली, मिली क्या रे पतंग यार? जाने दो यार, भाई को भी नहीं मिली। हमारे एक्सपेक्टेशन की भाई को यहाँ पर पतंग मिलनी चाहिए थी। जाने दोस्तों अब हम हमारे नेक्स्ट पतंग उड़ाते। मुझे तो लगता है ये पतंग थोड़ी देर बाद यहाँ पर निकल जाएगी, यहाँ से पतंग डायरेक्टली निकल जाएगी। ये देखो दोस्तों अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन सी पतंग उड़ाते हैं। मुत्तू भाई डिसाइड कर रहे हैं, एक एक पतंग दिखा तो। ये देखो हाँ दूसरी देख धोबा वाली देख, ये वाली क्या डायरेक्टली? ये देखो हमारा भाई मुत्तू भाई क्या बोल रहा है कि ये वाले पतंग उड़ाते हैं डायरेक्टली, बड़ा वाला खब्बा है। दूसरी चक्री ला तो पलंग के नीचे, ये लेकर जा उस पतंग चक्री का कोई काम नहीं, अब लेकर जा। डायरेक्टली ना हम पतंग को उड़ा लेंगे। हाँ ये लोग ये तो को ये पतंग हमने यहाँ पर रख दी है, ये पतंग रख दी हमने।
और है ना मुत्तू भाई को बोला कि डायरेक्टली दूसरी चक्री लेकर आ, क्योंकि दूसरी चक्री जब लेकर आएगा ना तो दूसरी चक्री अच्छी खासी यहाँ पर होने वाली है, तो दूसरी चक्री से हम डायरेक्टली पतंग उड़ाएंगे और पतंग डायरेक्टली भेजेंगे ऊँचा, तो ऊँचा पतंग भेजने का मज़ा ही कुछ अलग आने वाला है। तो दोस्तों वो भी मज़ा लेंगे ही।